अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मक्खन निकालने का एक बहुत ही मुनफरिद और अनोखा तरीका। यानी कि अब मक्खन निकलेगा सिर्फ 2 मिनट के अंदर, बिना परेशानी, बिना पसीना बहाए, बिना मेहनत किए। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है ये जो आपको वीडियो में नज़र आ रही है, यानी कि मलाई और एक ग्राइंडर मशीन। आपको ये मलाई जो है ये स्टोर की हुई मलाई है, जैसे कि हर घर में स्टोर की हुई होती है। अगर फ्रेश मलाई आपके पास है तो भी आप इसे 1 घंटे फ्रीज़र में रख के अच्छा से ठंडा कर लें। जमाना नहीं है, सिर्फ ठंडा करना है। ये देखिए मलाई कितनी क्रीमी है, जमी हुई बिल्कुल नहीं है, पर हाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है। अब हम इस मलाई को आधा हिस्सा इस मलाई का ग्राइंडर के चक में डाल देंगे। कोई इसमें मेहनत नहीं लगेगी आपकी। अब जो बड़ी बड़ी हैवी मशीनें होती है मक्खन निकालने वाली, जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट भी खर्च होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। अगर कुछ लोग हैं जो हाथ से मक्खन निकालते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वो सारी मेहनत आपकी बचेगी, वो सारी एनर्जी आपकी सेव होगी, उसे आप अपने दूसरे कामों में लगाइए, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ इंजॉय कीजिए और मक्खन निकालिए सिर्फ 2 मिनट के अंदर मेरे इस अनोखे तरीके के साथ। आधी मलाई जो है मैंने इस ग्राइंडर के चक में डाल दी है और बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ठंडा कप पानी का, यानी 1 कप ठंडा पानी आपको इस मलाई के साथ ग्राइंडर के जग में ऐड कर दे रहा है। इस तरह से बस सिंपल, कोई बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कोई बर्फ की ज़रूरत नहीं है। और पानी डालें, ग्राइंडर का ढक्कन लगा दें और सिर्फ ग्राइंडर को ऑन करें। 45 सेकंड के अंदर, 45 मिनट नहीं, सिर्फ 45 सेकंड के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मक्खन जो है ऊपर आ जाएगा फ़ौरन से ही। और इतना अच्छा मक्खन इससे निकल कर आता है ना सिर्फ 2 मिनट में कि आप देखकर यकीन नहीं करेंगे कि ये सिर्फ 2 मिनट में निकला है। ये देखिए 45 सेकंड बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ और ये देखिए मक्खन किस तरह से ऊपर आ चुका है। पर अभी भी हम इसको 40 से 45 सेकंड तक हम इसको दोबारा चलाएंगे ताकि जो मक्खन है अभी आधा आधा जो है सेपरेट होकर ऊपर आ चुका है, पर हम इसे पूरी तरह से मक्खन निकाल रहे हैं। तो 45 सेकंड के लिए आप इसको और चलाइए। टोटल मिला के आपके 2 मिनट लग जाएंगे। 45 सेकंड आपने पहले किया, 45 बाद में कर लीजिए। और ये देखिए आपको जैसे नज़र आ रहा है कितना अच्छी तरह से मक्खन बिल्कुल अलग हो चुका है पानी से, और बिना मेहनत के, बिना बहुत ज़्यादा बिजली ज़ाया किए, बिना बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़ाया किए, घर बैठे बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश, 100% प्योर मक्खन आप बना सकते हैं, इस्तेमाल कीजिए। फ्रेश मक्खन की तो एक अलग ही स्मेल होती है, एक अलग ही जायका होता है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ज़रूर इस तरीके को ट्राई कीजिएगा। ब्लेंडर बंद करने के बाद, जब हमने ग्राइंडर बंद कर दिया है, तो इसे किसी बर्तन में निकाल लें और ये देखें सिर्फ उस कटोरी की आधी मलाई से इतना सारा 2 मिनट के अंदर अंदर इतना सारा मक्खन जो है निकल कर आ गया है। ये देखिए बिल्कुल वाइट, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल प्योर। अब आपको सिर्फ ये करना है कि पानी से मक्खन को कर लीजिए अलग और जिस बर्तन में आपको इसको स्टोर करना है उस बर्तन में आप इसको स्टोर कर लें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर हमने इतना सारा मक्खन निकाल लिया है सिर्फ थोड़ी सी मलाई के साथ। घर बैठे आपको बिल्कुल फ्रेश, 100% प्योर, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के ये बटर मिल चुका है। और ये अनसॉल्टेड बटर है, इसलिए आप इसे बेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट डिशेस हम बनाते हैं जिसमें हमें बटर डालना होता है, बटर की एक अलग स्मेल होती है, एक अलग ही टेस्ट होता है जो कि आपके खानों को 4 चांद लगा देता है, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आधी बची हुई मलाई का भी मैं इसी तरह से मक्खन बना लूँगी। अगर तो आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने ये जैसी मदर्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह की यूज़फुल टेस्टी डिशेस की रेसिपीज़ मिलती रहे। इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद जो फर्स्ट कमेंट आएगा वो इंशाल्लाह पिन हो जाएगा।